चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाला है। यस, तो वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और संबंध महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष LLB 3 वर्षीय प्रथम वर्ष में अंतिम ओपन मेरिट से 25 नवंबर यानी कि गुरुवार से प्रवेश शुरू हो गए, यानी कि आज से प्रवेश शुरू होने वाले हैं। जिन छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था और संबंधित कॉलेजों में ऑफर लेटर जमा कर दिया है तो कॉलेज उनकी मेरिट तैयार करके 25 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से कहा है कि प्रवेश लेने के बाद कॉलेज 27 नवंबर तक हर हाल में प्रवेश कंफर्म करना होगा। आपको बता दें कि LLB में अभी खाली है सीटें। मेरठ कॉलेज में 300 LLB की सीटें में से 23 सीट रिक्त है। NAS कॉलेज में 180 सीट में केवल 9 सीट रिक्त है। डिवाइन लॉ कॉलेज में 49, महावीर कॉलेज में 131, SRC लॉ कॉलेज में 86, शताब्दी लॉ कॉलेज 112, दयानंद विद्यापीठ कॉलेज ऑफ लॉ में 75, भगवती कॉलेज में 9, BDS कॉलेज में 90, दीवान लॉ कॉलेज में 26, ट्रांसलेम कॉलेज में 45, काइट कॉलेज में 52, CRT कॉलेज में 60, मवाना कॉलेज ऑफ लॉ में 90, रुद्रा कॉलेज में 41 और चौधरी दलेल सिंह लॉ कॉलेज में 108 सीट रिक्त है। तो इन सभी सीटों पर एडमिशन होना है 25 से 27 नवंबर तक। आप सभी छात्र छात्राएं अपने एडमिशन को ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि कई कोर्स के परिणाम अधूरे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह दिसंबर से प्रस्तावित है। विवि स्तर पर चौधरी विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। कुछ विषयों में टॉपर्स की सूची जारी हो चुकी है, वहीं कुछ विषयों में अभी आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं आए हैं। इसी वजह से रिजल्ट में जो है देरी बनी हुई है, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। कई कॉलेजों ने आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं भेजे हैं, जिससे कुलपति ने प्रोफेसर एन केतनेजा ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वह 26 नवंबर तक अपने आंतरिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए, जिससे छात्र छात्राओं की मेरिट लिस्ट तैयार कर राजभवन को भेजी जा सके। विश्वविद्यालय की ओर से दिसंबर में दीक्षा समारोह कराने के लिए राजभवन को कुछ संभावित तिथि भेजी गई है, जिस पर राजभवन की ओर से अभी मुहर नहीं लगी है। अगर 28 नवंबर को कुलपति प्रोफेसर अनकेतनेजा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले 26 नवंबर को कार्य परिषद की बैठक बुलाई गई है। कुलपति की नियुक्ति को लेकर अभी तक राजभवन में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि प्रोफेसर अनकेतनेजा कार्यकाल फिर से बढ़ जाए। प्रोफेसर अनकेतनेजा करीब 7 साल कुलपति रह चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।